अब ऊपर को यहाँ से हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दो दोस्तों कैसे आप लोग, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं अपने गांव से। अभी हम हैं अपने गांव के ये मकान के ऊपर को। तो अभी सुबह के बजे हैं 9:30 और ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने यहाँ से। तो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है दोस्तों। आज मेरे साथ हैं यहाँ पर बिट्टू भाई पीछे, और फिर गणेश भाई जो मेरे गमोरा को ला रहे हैं, निर्मल भाई और वह अपना भाई और वह चंदू भाई। तो दोस्तों ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। हम गैलन बर्तन और थोड़ा बहुत राशन लेके जा रहे हैं जंगल पार्टी करने। तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, आप बने रहेंगे मेरे साथ ब्लॉग में। ऐसी करते हैं आज के ब्लॉग के दिन की शुरुआत यहीं से। तो चढ़ाई लगी है तो आप ऐसे बने रहेंगे मेरे साथ पहाड़ों में। तो दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। और अभी हम पहुँचे हैं नोटी में, हमारा पहला रेस्टोरेंट है 2-5 मिनट का, क्योंकि यहाँ पर हम भरेंगे पानी। और ये हमारा होम ग्राउंड है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्राउंड है, हम यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। ये खेत खाली हो चुके हैं तो ये खुशहाल लगा ग्राउंड है, इसमें हम क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे हमारा पीने का पानी है, यहाँ से भरेंगे हम ठंडा पानी एकदम। दोस्तों ऐसे जाना पड़ रहा है ये भी जंगल में, और सब भाई लोग आगे चले गए हैं। बिट्टू और मैं जा रहे हैं, बिट्टू आगे से पानी ले जा रहे हैं ऐसे, और फिर उसके बाद बदली करते हुए जा रहे हैं दोनों लोग। तो लोग तो फुर्र हो गए जंगल में है, मेरे छोड़ भी नहीं ज्ञान। हम जा रहे हैं वहाँ अलग का मॉडर्न, इस जगह को कहते हैं मॉडर्न, ठीक है। हम वहाँ जो सब श्रेणी में सन सब ये हैं जाड़ा खटा तो ये उन्हें चूँकि अब तुम देखा खा ऐसा खतरनाक जंगल, जैसे कि बाघ भरा होना बहुत ही खतरे। अगर आगे बाघ भरा तो मैं ब्लॉग में डाल दूँगा, ठीक है। तुम चालिया कसम बाघ भरा है भाई साहब, जंगल दिखो आप यो इट निकालो बूढ़े बूढ़ो को पहले। ए, आ जाएगा। पैर में लगी यार उसके। ये चले आप ऊपर को यहाँ से, अब दिखाते हैं आपको एकदम बेहतरीन नज़ारे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपनी बेस्ट लोकेशन पर छिंड में, और अब यहाँ से दिखाते हैं हम आपको आगे का नज़ारा। ऐसे ही आप बने रहेंगे हमारे साथ में। ये देखो भाई फोटोग्राफी कर रहा है, वो देखो सामने ही हमारे पूरा मेरी यार। नीचे है गुलेर बासानी, और उस साइड है फरसाली इस साइड, और सामने व्यू देखो, और वो जहाँ कोहरा लगाया हुआ है शिखर मंदिर। यहाँ पे भी लोग रहते हैं यार भाई, यहाँ पर अपने गणपत भाई चूल्हा लग चूल्हा बनाते हुए, और ये देखिए सीनरी
काफ़ी सही सीनरी है यहाँ की। हमारा काम वो उधर नीचे है, और अब हम आपको दिखाते हैं हिमालय पर्वत। यहाँ से जो व्यू आता है ना भाई साहब, बवाल बिल्कुल। लोग इस व्यू को देखने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और हमारे तो गांव में ही इतना बढ़िया व्यू है। तो हमारे साथ यहाँ पे 3 डॉगीज़ हैं, एक रॉटविलर नेमली घमोरा, और 2 और डॉगीज़ हैं, वाइट कमांडो एंड येलो वाला नाम क्या था, येलो कीटाणु। तो बंद हो गया रे अपने आप ही, चल रहा है क्या, स्क्रीन बंद हो गया। अच्छा के तो सपने दिखाए मेरे को, यहाँ पे हमने आग आग जला दी है दिखाए, और चांद भाई यहाँ पे लगे हैं प्याज काटने में, नेपची बनके, नेपाली बनके बन। ये आग जल चुकी है, बड़ी बड़ी अखिल और दो डिश होते ठाट। तो मजा आ रहा है निर्मल भाई, बहुत मजा आ रहा है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। ट्रैकिंग हाँ, छोटी वाली ट्रैकिंग ना, छोटी मोटी ट्रैकिंग है। बिट्टू भाई हो गया ठंडा। तो अब करते हैं अब थोड़ा बहुत खाने की शुरुआत। वाह मजा आ गया, मुंह में तो पानी आ गया है। कैसा हो रहा है टेस्ट? बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। चांद भाई टेस्ट करो तो, आप कहाँ आए? चांद भाई आप कहाँ आए? इधर नहीं, आप गलत है, गलत एड्रेस पे आ गए आप। ये देखो, अरे कुत्ता आ गया मेरा तुम्हारा। अब आ चुकी है सुंदर सी धूप यहाँ पे, बढ़िया एकदम। अब डांस होगा, नेपाल से बताया और कंजूस है, इतना कम डाल रहा है। पर्सनली यहाँ पे हमारा बहुत पैसा लगता है, इधर बन बसा के रखा है। भाई को भी एक्सेप्ट किया जाएगा, सबको एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों हमने खाना आना खा लिया यहाँ पे जंगल में, और अब घर को जाने की तैयारी है। और यहाँ पे आग जल चुकी है, अब देख हमारे पास है कुछ बम विस्फोटक, ये हैं। अब इनको हम आग में डालते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार का होता है। सारा कुछ पकड़ के आप ऐसे देखोगे हमारे साथ, देखो अब यहाँ पर रिएक्शन किस प्रकार का होता है। रुक जाओ एक बार, छुप जाते हैं, रुक जा रुक जा भाई भाई भाई। देखो आप गणेश भाई डाल रहे हैं यहाँ पर बम, बम बम डालते हुए, बम डाल दे भाई, बस डिसअपॉइंटिंग। और ये देखो यहाँ पे हम ये आग बुझा रहे हैं, अभी हमें खाना ना खा लिया है, जंगल के लकड़ियों का यूज़ कर लिया है, तो अब ये आग भी बुझा रहे हैं हम यहाँ पूरा, क्योंकि आग ना लगे करके। हमारे ही जंगल है, हम सबके जंगल है, तो करना पड़ेगा सब कुछ, क्यों दोस्त और क्या। तो सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू तो चंदू भाई को बोलूँगा, यहाँ पे नेपाल से आ रखे हैं, और इनका काम है बर्तन धोना और बर्तन ले जाना।
देखो यार भाई बहुत अच्छे से धोता है भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो अब चलते एक बार घर को, ऐसे ही बने रहेंगे हमारे साथ। तो ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट जरूर कर दे यार दोस्तों। फूल है अब आएगा अबुल। सो गाइस जो आपको ये अभी खंडर दिख रहा है ये यहाँ पे हमारे दानपुर घाटी के नाकुरी क्षेत्र में जो स्वतंत्रता सेनानी है श्री दान सिंह स्वर्गीय दान सिंह भोरियाल जी उनका ये पुस्तैनी मकान है जो कि अब खंडर बन चुका है। यहाँ पे उनकी गाय बकरियाँ रहा करती थी पर अब मौसम के चलते चलते ये बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अभी भी है मतलब? अभी भी उनके नाम से नाकुरी क्षेत्र को जाना जाता है। बागेश्वर से अभी अंदर आओगे तो तल्ला दानपुर के जो क्षेत्र है वो दान सिंह भोरियाल के नाम से ही जाना जाता है। तो और यहाँ पे कुछ लिखा है और यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा भी है जो कि बड़ा अच्छा संदेश दे रहा है। साथी रे हाथ से हाथ मिलाना गंदगी को दूर भगाना। वाह वाह वाह। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं अपने होम ग्राउंड नौटी में और क्या कहते हैं कि अब जाएंगे कल निर्मल भाई और चंदू भाई कल जा रहे हैं लखनऊ। तो मिलेंगे इनको अगली बार जब ये घर आएंगे इनके साथ नया ब्लॉग बनाएंगे। आज काफ़ी मज़ा आया। तो आप बताइए कि आज का वीडियो कैसा रहा, क्या रहा, कुछ भी रहा कमेंट में ज़रूर बताइए। कैसी वीडियो बनी आपको, कैसा वीडियो लगा और हमने कुछ थोड़ा बहुत इन्जॉय किया था। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए जो चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नई नई वीडियो हो गए दोस्तों, मिलेंगे हम नई वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड। बाय बाय।